मुंडावर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी के महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर भारी संख्या में जनसैलाब नजर आया। ललित यादव, भंवर जितेंद्र सिंह खुली गाड़ी में सवार होकर रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान बाइकों पर चल रहे युवाओं ने ललित यादव के समर्थन में नारे लगाए। सभा के दौरान भंवर जितेंद्र सिंह ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला कि मुझे मेरा मन है कि शायद जीत की माला तो मैं आज ही पहना के जाऊंगा, जीत की माला तो मैं आज ही पहना के जाऊंगा। मैं इतनी देर से देख रहा था, जो जो आपकी जो जोश है, युवाओं के अंदर जोश है, ये मैं आखिर में बनाऊंगा, अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जो आज आप सबों के अंदर जोश है, और देखो ये तो राठ की भूमि है, वीरों की भूमि है, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो, इस देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमारा राठ का क्षेत्र, कितने लोगों ने यहां बलिदान दिया है, ये ऐसी भूमि है, क्योंकि ये रात और दिन आपके बीच में मेहनत करते हैं। मुझे याद है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए इनने बहुत बड़ा संघर्ष करा। इतनी बड़ी बड़ी यहां फैक्ट्री खुली हुई है, नीमराणा में फैक्ट्री खुली हुई है, हमारे बहरोड़ के अंदर फैक्ट्री खुली हुई है, शाहजहांपुर के अंदर फैक्ट्री खुली हुई है, जापानी रोड बना हुआ है, खुशखेड़ा में फैक्ट्री खुली हुई है, भिवाड़ी में फैक्ट्री खुली हुई है, और हमारे जिले के जो नौजवान साथी हैं, हमारे प्रदेश की जो नौजवान साथी हैं, वो अभी भी बेरोजगार है। ये मेरे पास आए थे और मैंने कहा होगा, और इनको ये याद है कि विधानसभा के अंदर कानून लाना चाहिए, जिस तरह से हिमाचल के अंदर है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर है, जिस तरह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, वहां कानून बना हुआ है कि जो लोकल लोग होते हैं, जो प्रदेश के लोगों के होते हैं, उनको 40-50% नौकरी आरक्षित रहती है। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, आज से 3 साल पहले, कि वो कानून लाएगा तो मुंडावर का बच्चा, आपका खुद का साथी, विधानसभा में जाके कानून लेके आएगा। और आपके यहां भाई बनाया जाता है, जो विधानसभा में चू नहीं बोलते, वो विधानसभा में जाते हैं तो बस चाय पानी पीने के लिए समोसे नमस्कार कर कर आके घूम घाम के वापस आ जाते हैं। उनको मुंडावर की चिंता नहीं है, यहां किस तरह से यमुना का पानी है उसकी चिंता नहीं है, ईआरसीबी की योजना की चिंता नहीं है। मुझे तो पीड़ा होती है, हम सबों ने अलवर के लिए एक सपना देखा, ईआरसीबी योजना जो झालावाड़ से लेकर और पूरे अलवर तक आ रही, उसके लिए बहुत बड़ा एक लोगों ने संघर्ष करा। 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में और जयपुर में वादा करके गए, सौगंध खा के गए उस योजना के बारे में, और उस योजना को रोकने का काम 5 साल में सरकार ने किया। प्रधानमंत्री ने झूठ बोली है राजस्थान की जनता के साथ, इस मंच के साथ मैं कहना चाहूंगा, और उससे बड़ी बात तो यह है कि 25-25 सांसद बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, दिल्ली में बैठे, और ललित यादव को माला पहनाकर जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। वहीं प्रत्याशी ललित यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि उन्होंने हमेशा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को सर्वोपरि रखा है, आगे भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथियों, अभी सरपंच साहब कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी कहते थे, आपने उस बात को पूर्ण करने काम किया है। हम लोग भी 13 साल से मुंडावर सांसद क्षेत्र में एक एक गली मोहल्ले में जाकर के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के प्रयास किया, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। जब भी आपके बीच में पार्टी की तरफ से कोई लोग आए, सर्वे करने आए,
आप सब लोगों ने पार्टी को कहकर भेजा और ये जो टिकट दिया है और सामने ये ललित को नहीं दिया, ये पूरे मंच को दिया है, सामने बैठे सभी लोगों को दिया है, अकेले ललित का टिकट नहीं है। इसलिए मेरा पांच सबसे यही निवेदन है कि आप लोग मिलकर के मजबूती के साथ आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान को मजबूत करके भेजना। मैं मन से विश्वास दिलाता हूं, जिस उम्मीद और आशा के साथ आप लोग आज यहां पहुंचे हो उससे 21 आपकी उम्मीद खराब करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। आदरणीय धर्म सिंह जी हमारे प्रधान के प्रत्याशी रहे और जब भी प्रधान के प्रत्याशी बनने के बाद से लगातार आशीर्वाद देते रहे हैं और आज सार्वजनिक रूप से पूरे प्रकरण की तरफ से आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं करते हुए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। आदरणीय भवन साहब, आपको जब भी मुड़ाल की जनता ने इस मंत्र ने कुछ कहा आपने मना नहीं किया। हमने पिछले दिनों जब आप मुड़ाल आए थे मोहम्मदपुर में, हम सब ने निवेदन किया आपसे कि नगर पालिका बनाओ। आपने वही घोषणा करी कि मैं बात करके नगर पालिका उन्होंने काम करूंगा, आपने नगर पालिका बनवाया। आदरणीय भवन साहब, जब केंद्र में मंत्री थे, आपके मंत्री रहते हुए आपने जिले में अनेक काम करवाए, ऐसे ऐतिहासिक काम आपने किए। हमारे मुड़ाल में भी अलीपुर साचौत में आईटीबीपी का सेंटर सब सेंटर बनाने का आपने काम किया, अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय बनाने का आपने काम किया, आपने बड़ा ईएसएच अस्पताल बनाने का काम किया। आपने जो ऐतिहासिक काम किए वो आज काम आ रहे हैं। आज पिछले जो 10 साल का शासन रहा तो 10 साल के शासन में एक ईंट लगी नहीं और आपने हजारों हजार करोड़ रूपये काम अलवर जिले में कराए। मैं विश्वास रहता हूँ भवन साहब कि जब आप जब दोबारा इस इलाके में आओगे तो आप सबको ये लोग शर्माते और बढ़ा करके वापस से काम के नाम पर आपको विधानसभा में भेजने काम करेंगे। विश्वास में आपको दिलाता हूँ, उन्हें फंड का पैसा खर्च नहीं हुआ जो आप सबके हमारे खून पसीने की कमाई थी और जो सरकार ने अपने खाते में डाला खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपया आज भी खर्च नहीं हो पाया, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आज किस मुंह से वो लोग वोट मांगने के लिए आए? जब आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया आज किस मुंह से आप लोग वोट मांग रहे हो? आप लोग मिलकर के आने वाले वक्त में सही फैसला करना। मैं तो जब भी आपके बीच में आया हूँ, आपके गांव में गली में आया हूँ, आप सबने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया है और आज भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारकर मुझे आशीर्वाद देने आए हो। 4-5 घंटे से आप लोग बैठे भी हो, इस बात का परिणाम है कि आप लोगों ने 100% मन बना करके अब आप लोग जाओगे। आप लोग इस बात को लेकर भी निश्चित होकर मचाना, आने वाले 20 दिन जो है उनमें हम लोग दिन रात कड़ी मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करके उसको परिणाम जो हमारे दिख रहा उसको परिणाम बदलने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये मन विचार बना करके जाए। उन्हें मैं मुड़ाल विधानसभा क्षेत्र की 36 गांव की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे हमेशा सहयोग किया है। आज भी आप लोग 36 गांव के लोग बैठे हैं, सभी धर्म मजहब के लोग बैठे हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमेशा की तरह आज भी मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हो। भवर साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आपने विधानसभा का टिकट दे करके इस मुड़ाल की जनता का पूरे सभी लोगों का सम्मान किया है। तो विश्वास दिलाता हूँ भवर साहब कि आपके सम्मान में जहाँ आपका पसीना गिरेगा हम लोग खून बहाने काम करेंगे। तो मैं विश्वास दिलाने काम करता हूँ। उन्हें मैं धन्यवाद करता हूँ। काफी लंबा वक्त हो गया लंबा भाषण देने की बजाय, मैं तो मेरी कम बातों को ज्यादा समझना।